नमस्कार, वसई विहार समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन चौहान। आज हम बात करने जा रहे हैं वसई विहार महानगर पालिका आयुक्त डी गंगाधरन जी। उन्होंने कुछ कोरोना को लेकर नए अपडेट दिए है, कुछ जानकारियां दी है जो इन्होंने पिछले 3 महीने में जो कामकाज किया उसके बारे में उन्होंने बताया कि हमने हमारी तरफ से पूरी पूरी कोशिश की है। हमने 10 हॉस्पिटल की व्यवस्था की है, प्राइवेट हॉस्पिटल की व्यवस्था की है, उनमें पेशेंटों का इलाज चल रहा है। और हमने 50 एम्बुलेंस की व्यवस्था की है, उसमें से 25 एम्बुलेंस आ भी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमने 7 क्वारंटाइन सेंटर भी बनाए हैं। और उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि वसई विरार में कोरोना के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, हाँ ठीक भी होते जा रहे हैं, मगर उनका एक पब्लिक को और आम जनता को उन्होंने आदेश जारी किया है कि कोरोना की बीमारी अभी तक खत्म नहीं हुई है। हाँ, कुछ सुविधाएं दी है उन्होंने पब्लिक को बाहर आने की, अपने घर गृहस्थी चलाने के बारे में, लेकिन उनका साफ तौर पे कहना है कि कोरोना को कम करने के लिए आपका सहयोग चाहिए, यानी कि आम पब्लिक जनता का सहयोग चाहिए। उनका साफ कहना है कि उन जगहों पे भीड़ भाड़ इलाकों में मत जाइए। हाँ, साथ में उन्होंने ये बताया कि जो सीनियर सिटीजन है ना, उन लोगों को बाहर मत भेजिए अपने परिवार में। आपको कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है तो आप घर का एक मेंबर जाइए और पूरा प्रिकॉशन लेके जाइए, जैसे सैनिटाइजर वगैरह यूज कीजिए। उनका साफ तौर पे कहना है सुविधाएं दी, लेकिन आप लोग अपना बचाव आपको खुद को करना है। उन्होंने पब्लिक को ये आह्वान किया है, उनकी तरफ से पूरी पूरी कोशिश जारी है, अच्छी तरह से वो उनका काम कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कुछ तकलीफें आ रही है पब्लिक को, बहुत सारी तकलीफें आ रही है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप थोड़ा सहयोग करो हमारा, आने वाले समय में आपकी सब समस्या कम हो जाएगी। और कोरोना को ख़त्म करना है तो आपका सहयोग हमें चाहिए, हमारे महानगर पालिका पूरी पूरी कोशिश कर रही है। धन्यवाद।